सो हे गाइस, कैसे हो सारे लोग। नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो सो आज का ब्लॉग जो है बहुत छोटा होने वाला है भाई। सबसे मेरे हिसाब से ज़्यादा मिनट का भी नहीं है और मैंने बना भी नहीं पाया क्योंकि टाइम नहीं मिला था। बट हाँ, मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले आज के है भाई, आपको पता है 2 दिन बाद 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। तो हमने भी क्या सोचा है कि भाई हम भी दिए से, क्योंकि इस बार लाइट नहीं लगाने वाले हम, पूरी जितना भी घर हम जगमग करेंगे पूरा का पूरा सिर्फ दिए ही दिए से होगा। कोई इसमें आर्टिफिशियल लाइट हम नहीं लगाने वाले। तो अभी हमने एक प्लान करा था कि भाई जितने भी दिए हैं पहले घर के, हमने सारे दिए निकाल लिए। एक वीडियो मेरे पास से हट गया, मैं उसमें लगा देता, जिसमें मैंने कहा ना हमारे जो और उसकी भी सफाई करी थी, बट अभी इतना ही है तो इससे आप लोगों को काम चलाना पड़ेगा। सो अभी आप देख लो, देखो ये दिए हैं, इसका आप देख लो, ये जो सफाई करने के लिए भाई इनको क्या ना, मैंने सोचा कि यार मैंने मम्मी से मांगे थे कुछ दिए भाई मिल जाए हमें साफ करने, जितने बच जाए बाकी हम ले आएंगे। तो टोटल जो मैंने अनुमान लगाया है वो मतलब 250 से 300 दिए गए हैं। भाई देखते हैं कितने कितने लगते हैं 22 तारीख को, जितने भी लगेंगे हम लेके आएंगे, जितना तेल लगेगा वो भी लेके आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमने सोचा कि हम तेल से जलाएंगे, पता नहीं घी से जलाते हैं कि तेल से, बट हम तो तेल से जला रहे हैं भाई, जो हमें पता है। दादी को बोल दिया है बत्ती बनाने के लिए, तो वो भी मैं आपको परसों दिखाऊँगा, वो जो फूल वाली बत्ती होती है उसको बनाने के लिए, क्योंकि वो मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा जलती है। एक वो एस टाइप की बत्ती आती है, मैं डाल दूँगा फोटो अगर आप लोगों को पता होगा, कि एस टाइप की बत्ती आती है, लेकिन वो क्या ना उसको बार बार ऊपर करना पड़ता है, जैसे वो दिए के पास आती है तो बुझ जाती है। भाई मेन कंडीशन ये है दिए में कि वो जो दिया है वो खंडित नहीं होना चाहिए। मैं आपको दिखाता हूँ एक सेकंड, ये देखो ये जो दिए का ये जो कॉर्नर है ना, ये झड़ा नहीं होना चाहिए। मेरे पास जो दिए थे ना उसमें 3 से 4 दिए ऐसे निकले जिसका ये जो कॉर्नर है ना ये झड़प होता है, खंडित। अब खंडित आप है ना लगा नहीं सकते दिए, ना तो आप खंडित लगा सकते ना अभी। अब मैं आपको बता दूंगा आगे जैसे जैसे मैं दिए साफ करूँगा कि खंडित दिए आप नहीं लगा सकते। आप गंदे दिए इस्तेमाल नहीं कर सकते कहीं किसी और गमले में। मान लो आपने तुलसी जी के पौधे, तुलसी माता के पौधे में कोई दिया लगा रखा है तो भी आप नहीं लगा सकते, तो इस बातों का भी ध्यान रखना। सो आगे ब्लॉग में बढ़ते हैं, देखते हैं कैसे कैसे चलता है। अभी देख लो यार ये गंदगी है ना, थोड़ी बहुत मतलब हल्की फुल्की इनमें गंदगी लगी है, तो उसका तो कुछ करा नहीं जा सकता, लेकिन ठीक है भाई जैसा है। तो भाई टोटल जो मैंने अनुमान लगाया है ना वो टोटल आ रहा है मतलब 250 दिए के करीब। अब जो बत्ती है मैंने दादी को बोला है बनाने के लिए, जो फूल वाली बत्ती होती है 300 बोला है, तो मेरे हिसाब से 250 काफ़ी हैं, बहुत सही है। लेकिन अब मेरा एक डाउट है कि यार अब 250 है ना मतलब 102 हो गए टोटल दिए, 100 ही मान लेते हैं। तो अब हमें क्या चाहिए, हमें 150 दिए और चाहिए। कल हम जाके एक बार देखेंगे बाज़ार से, क्योंकि उनके लिए हमें तेल भी चाहिए था, तेल भी लाना है, और कल हम जो बचे दिए हैं वो भी लेके आएंगे। तो सो एक बार देख लो इस तरह से ये काम है। तो सो गाइस, अब तक अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो या आपके थोड़ा भी अगर आपको लगता हो कि भाई हाँ कुछ अच्छा ही बताया गया, इन्फॉर्मेटिव कंटेंट लगा हो, तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और हाँ जितना हो सके शेयर करना। जो भी आपको लगता है कि अगर कोई इन्फॉर्मेटिव कंटेंट है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब करना, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले और ऐसे वीडियो बनाने का। और हाँ, इस सीरीज़ को हम नाम देते हैं, इसमें जितने भी एपिसोड्स आएंगे इस सीरीज़ को हम नाम देते हैं श्री राम प्रतिष्ठा पार्ट 1, ये वीडियो का था। आगे जो भी हैं 2, 3, 4 पार्ट जो भी हैं, सो प्लीज़ आई होप कि आप लोग को वो भी बहुत अच्छे पसंद आएंगे। प्लीज़ अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो पहला वाला, मुझे इतना पता है मुझे कुछ इसमें थोड़ी बहुत मिस्टेक्स थी क्योंकि ये जल्दबाजी में बनाया गया था, बट हाँ मैं आगे इसमें सुधार करूँगा, मैं इतना भी बताता हूँ। सो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। थैंक यू।